हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्ट ऑफ मिष्टू। और मैं हूँ मिष्टू। तो आज मैं बना रही हूँ और एक स्वीट डिश जिसका नाम है गाजर का हलवा। गाजर का हलवा सबका बहुत फेवरेट होता है। इसको बनाना बहुत इजी है और इसको बनाने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और जो भी चाहिए होता है वो ज़्यादातर घर में ही अवेलेबल हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 kg गाजर, यह है कंडेंस्ड मिल्क, यह है दूध 200 ग्राम, यह है शक्कर 1/2 कप और यह है काजू। अगर आपके पास काजू नहीं है या फिर आप डालना नहीं चाहते हो तो मत डालना, ये टोटली ऑप्शनल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब मैं सबसे पहले इसमें ऐड करूँगी घी। घी थोड़ा सा ज़्यादा डालना वरना वो ऑथेंटिक टेस्ट नहीं आएगा। घी गर्म हो चुका है, मैं इसमें ऐड कर दूंगी गाजर। अब इसको अच्छे से घी में फ्राई करना है। इसको बीच बीच में अच्छे से चलाते रहना। से 25 मिनट चलाने के बाद इसका जो क्वांटिटी था वो 1/2 हो जाएगा और इस स्टेज में मैं ऐड करूंगी कंडेंस्ड मिल्क। मैंने यहाँ पे लगभग 100 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया है। से 3 मिनट ऐसे चलाने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी दूध। अब मैं इसमें ऐड करूंगी शक्कर। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा काजू। अब मैं इसको ढक के कुक करूंगी 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पे और बीच बीच में इसको चलाते रहूंगी। तो आप देख सकते हो कि गाजर पूरी तरह से गल चुका है दूध में। अब मैं ढक्कन हटा के ऐसे ही 4-5 मिनट इसको पकाऊंगी लो फ्लेम पे और उसके बाद एक बोल में निकाल लूंगी।
आप देख सकते हो कि गाजर का हलवा बनके रेडी है और ये दिखने में भी बहुत टेम्पटिंग है। मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट की थी, ये बहुत टेस्टी बना है। अब अपने घर में इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा बना था। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।